सोनभद्र में राष्ट्रीय ध्वज के साथ ब्रह्मोत्सव का जुलूस निकला। नवी की तरह ही हमें अपनी मातृभूमि भी प्यारी, इस्लामिक नारों से गूंजा कस्बा। मेयर पूर्व विडमगंज पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन ब्रह्मोत्सव के अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने विशाल जुलूस राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाला। अखाड़ों से हरे रंग का विशाल पताका लिए अखाड़े के सदर अपने लोगों के साथ मकतब जाबारिया मस्जिद पर एकत्र हुए, फिर एक साथ कस्बे में विशाल जुलूस के रूप में नगर भ्रमण किया। इस दौरान नारे लगाए गए, वहीं हाथों में गुलाब का फूल लिए प्रत्येक राहगीर व दुकानदार को अमन व शांति का पैगाम स्वरूप गुलाब का फूल वितरित किया। जुलूस मेयरपुर व विडमगंज के जामा मस्जिद से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए हलवाई मोहल्ला सब्जी मार्केट से होते हुए काली मंदिर गुरुद्वारा मोड़ हवाई पट्टी तिहारा लालासी मोड़ होते हुए जामा मस्जिद के पास जाकर समाप्त हुआ। वहां हुजूर नसीर मिल्लत ने मुस्लिम बंधु को तकरीर सुनाया। उसके बाद मुस्लिम बंधु शांतिपूर्वक अपने घर को वापस हुए। नाम? मेरा नाम आशिफ हुसैन है, मैं मेवरपुर जामे मस्जिद का इमाम हूँ। आज ये मक्का मदीना का बैनर लगा के चल रहे, उसके साथ भारत देश का भी झंडा लगा के घूम रहे हैं, कस्बा भ्रमण कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जिस तरह हम लोग अपने नबी और अपने रसूल से प्यार मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अपने देश से भी मोहब्बत हम लोग करते हैं। और हम ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बिलखुसूस पूरे भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ईद मिलादुल नबी सभी के लिए मुबारकबाद हो, मुबारक हो। और सभी लोग जो मेरे सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, उस पर हम लोग तमाम भारतवासी अमल करते रहेंगे तो देश में हम लोग शांति महफूज कायम रहेगा।